तो लो जी, आज हमारे साथ है जाने माने सिंगर राघव चैतन्या, जिनका हाल ही में गाना आया है सुबह को, जिसके बारे में आज हम इनसे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले राघव, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच अदिति। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहला सवाल ही मेरा ये रहेगा कि अभी कुछ घंटे पहले गाना आउट हो चुका है, तो किस तरीके का फीडबैक देखने को मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस की तरफ से? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है अभी तक। जो मेरे को सुनने में आ रहा है, लोगों को एक्चुअली गाना बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी बहुत स्वीट सॉन्ग है, बहुत बहुत हैप्पी है, एंड दे वाइबिंग टू इट। तो लेट्स सी अभी और कैसे ग्रो ग्रो करता है नेक्स्ट कुछ दिनों में। जी 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 एक्चुअली काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जी, मेरा आगे का सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत प्यारे प्यारे आपने गाने बनाए हैं, पहले भी आपके गाने हम सुन चुके हैं और वो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब, तो ये जो आपकी जर्नी थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कितनी एज में आपने गाना गाना शुरू कर दिया था, और ये जो जर्नी रही अब तक की, मतलब कैसी रही, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जर्नी तो एक्चुअली शुरू हुई थी, मैं मतलब बहुत छोटा था, 3-4 साल का था। तो माय मॉम हर्ड मी लाइक हमिंग अ ट्यून। तो मम्मी ने कहा तो ये तो अच्छा गा रहा है, ऐसा कैसे गा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने गाना शुरू कर दिया। तो कहीं एकदम इम्प्रॉम्प्ट था वो, अपने आप से शुरू करे थे मैंने गाना। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग गोइंग टू वोकल क्लासेस एंड ऑल। मेरे को 10th क्लास में जब मैं गिटार बजाना शुरू कर दिया, तो देन वन डे आई वेंट टू मॉम। मैंने बोला कि मम्मी मेरे को यही करना है अभी लाइफ में। तो मम्मी थोड़ा डर गई, कह रहे ये क्या बोल रहा है तू, क्या मतलब कि तू डॉक्टर नहीं होता, नहीं बनेगा या जी इंजीनियर नहीं बनेगा। तो देन बाय 12th मम्मी को समझ में आ गया कि मेरे को यही करना है, बिकॉज मैं पढ़ाई में भी थोड़ा खराब, वो थोड़ा वीक वीक था। एंड वीक जी इसलिए हो गया था कि मैं पूरे दिन म्यूजिक कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा जी वीक हो गया था। तो वही मम्मी ने बोला कि यू डू अ कॉलेज, कॉलेज कर लो, एक डिग्री ले लो, देन मूव टू बॉम्बे एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट वांट टू डू। तो ऐसा कुछ जर्नी रहा। फिर मैं 2015 में बॉम्बे आया, तो इट्स बीन ओके ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं मुझे बॉम्बे में। तो अभी हो रहा है, धीरे धीरे सॉर्ट हो रहा है। इतना इजी नहीं था, थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बट इट्स जी वर्थ इट या इन द एंड। ओके तो सुबह को ये गाना आपने गाया भी खुद है, इसका म्यूजिक भी आपने बनाया है, तो जो पूरा प्रोसेस रहा है इसका, कितना एंजॉय किया? यार बहुत ज्यादा एंजॉय किया एक्चुअली। मेरा ऐसा था कि मेरे को एक गाना बनाना था ऐसा जो बहुत हैप्पी, रोमांटिक हो, क्यूट हो, वाइबी जी हो, ऐसे इस पे सब लोग वाइब कर पाए, और सिंगेबल जी हो, बहुत ज्यादा हाई पिच नहीं हो या बहुत ज्यादा लो पिच नहीं हो, जिसको आप भी गा सकें, मैं भी गा सकूं, जी मेरे फ्रेंड्स भी गा सकें, ऐसा गाना मुझे बनाना था। तो मैंने गाना बनाया। देन वी अप्रोच विराग सर, तो विराग सर तो अच्छा लिखते हैं बहुत, तो उन्होंने बहुत जी अच्छा लिखा है गाना। और ऑल्सो अभी वीडियो भी बहुत अच्छा बाहर आया है, तो जी सब स्टार्स अलाइन हो गए साथ में, तो बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बाहर आया है जो कि जी पीपल आर लाइक इट वेरी वेरी मच। दे सेइंग इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट्स वेरी क्यूट, हैप्पी, रोमांटिक। तो दिस वाज माय ड्रीम, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वेरी क्यूट हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग। तो ऐसा ओके रहा है इश्यूज से ना, यही है। या दैट्स ऑल। ओके तो म्यूजिक जो होता है ना, वो शब्दों में जान डालने का काम करता है। एक फील के साथ एक गाना लिखा जाता है और उन शब्दों में जान डालता है म्यूजिक, है ना, और फिर उसके बाद सिंगर जो है। तो आपने इस गाने का म्यूजिक खुद बनाया, क्या फील रहता है उस टाइम पे जो इतना प्यारा म्यूजिक निकल कर आता है? मतलब यार मैं तो कंपोज करता हूँ रात को, क्योंकि मैं रात को सोता नहीं हूँ, मैं सुबह सोता हूँ। तो रात को ओके 3 बजे का ऐसा टाइम होता है कि जब एकदम पीसफुल होता है सब कुछ, आसपास किसी का कॉल नहीं आता है, जी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उस वक्त। दैट्स व्हेन आई होल्ड माय गिटार एंड आई स्टार्ट कंपोजिंग। तो आई रिमेम्बर मैं कुछ 2 महीने पहले एक ऐसा ही रात थी, तो मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था, एकदम शांति थी, तो एकदम से ये ट्यून आया ऐसा, तो वो एक ऐसा एक फर्स्ट पार्ट मुझे मिल गया था। तो मुझे लगा कि अच्छा ये कुछ अच्छा हो रहा है। तो आई ओके स्टार्टेड डेवलपिंग ट्यून, धीरे धीरे डेवलप किया मैंने। इधर जब मैंने भूषण सर को सुनाया एंड इधर म्यूजिक टीम को सुनाया, सब लोगों को अच्छा लगा बहुत। तो ऐसा ग्रेजुअली होता है, मतलब एक देयर इज अ मोमेंट व्हाइल कंपोजिंग की जब समझ में आता है कि हाँ दिस विल वर्क, दिस इज समथिंग, दिस इज
something that is sounding very different and unique and nice. So, but मैं compose रात को ही करता हूँ. Okay. तो किस तरीके के गाने गाना आपको ज्यादा पसंद है, मतलब उस तरफ ज्यादा फोकस जाता है कि हाँ ऐसे गाने जैसे सैड रोमांटिक? यार सैड तो मुझे मतलब मैं आई वुड नेवर मेक अ सैड सॉन्ग टू बी लाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू. मैं कभी खुद से सैड गाना बना नहीं सकता, मुझे नहीं पसंद है. बिकॉज यू नो टच वुड आई एम लाइक वेरी हैप्पी इन लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे सैड गाने बनाने का. और एक्चुअली ऑल्सो आई थिंक कोविड में लोग 2 साल बहुत सैड रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें और सैड सॉन्ग देने चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग बहुत सैडनेस से बाहर आए हैं, तो लेट्स गिव देम कि वो थोड़ा हैप्पी सॉन्ग देना चाहिए लोगों को. एंड हैप्पी सॉन्ग आप कहीं पे भी सुन सकते हो, एक्चुअली सैड सॉन्ग सब जगह नहीं सुन सकते. सैड सॉन्ग अगर कोई कंपोजर मूवी में कुछ होता है तो मैं गा देता हूँ सैड सॉन्ग, बट आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट पर्सन हु वुड कंपोज अ सैड सॉन्ग. आई वुड ऑलवेज कंपोज अ हैप्पी सॉन्ग इफ लाइक एज इन एज लॉन्ग एज वो नॉन फिल्म हो, बिकॉज नॉन फिल्म में देयर इज नो ब्रीफ ओनली ना. मूवी में तो ब्रीफ होता है कि ऐसा एक सिचुएशन है, उसको सैड सॉन्ग चाहिए. But non-film I like क्योंकि उसमें हम अपने आप से गाते हैं. So I just want to be doing in the non-film space, in the album space I want to be doing all happy songs. Okay, तो अच्छा अगर आपको मौका मिले म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ चेंज करने का, आपके पास मौका है, क्या आप चेंज करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये वाली चीज सही नहीं चल रही है म्यूजिक इंडस्ट्री में? अभी In 2023 मैं कुछ चेंज करना नहीं चाहूंगा, बिकॉज इंडी म्यूजिक इज बूमिंग, इट्स बूमिंग लाइक एनीथिंग. इट इज लाइक आजकल ऐसा हो गया कि अगर आप अच्छा गाना बना रहे हो और आपके पास तो आप सिर्फ घर से अपलोड कर रहे हो उसे यूट्यूब पे, तभी लोग सुन रहे हैं. द सॉन्ग इज नाइस. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गाना जो कोई लेबल से भी साइन नहीं, पर उनका सब गाना सुन रहे हैं लोग. तो 2023 इज अभी दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू बी म्यूजिशियन इन इंडिया, बिकॉज अभी कुछ भी चल रहा है. अभी इट्स लाइक कि द ऑडियंसेस आर लाइक वेरी वेरी स्मार्ट, वो कंज्यूम बहुत स्मार्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. अगर आप मूवीज में भी देखेंगे तो मूवी भी बहुत स्मार्ट मूवीज कंज्यूम कर रहे हैं अभी लोग, तो सीन बहुत चेंज हो चुका है. और ऑल्सो अभी कोई कोई फॉर्मूला नहीं रह गया है कि ये बड़े एक्टर पे गाना आएगा तभी हिट होगा, और वेब सीरीज में आएगा तो फिर नहीं होगा. तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैंने एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज पे मैंने एक गाना गाया था ऐसे क्यों, तो मैं वो शोज में गाता हूँ तो वो लोग मेरे साथ साथ मतलब गाते हैं, और वो कोई बहुत बड़ा मूवी नहीं था. तो सेम वे इंडी सॉन्ग के लिए बिल्कुल चेंज हो चुका है आजकल. अभी आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ 2022 वर इंडी सॉन्ग, दे वरंट लाइक दे वरंट बॉलीवुड सॉन्ग्स. तो अभी अभी फिलहाल मैं कुछ चेंज करना चाहता क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा है. बिकॉज इट्स नॉट इट्स लाइक कोई अभी कोई फॉर्मूला नहीं रह गया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा गाना बनाओगे तो चलेगा. अभी कुछ भी चल सकता है. तो अभी तो इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ ऑल. ओके, गाने के वीडियो में आप एक लवर बॉय बने हुए हैं, जो लवर बॉय जिससे प्यार करता है उसके लिए मतलब कुछ भी कर रहा है, उसकी हर बात में उसकी हाँ में हाँ है ना, वो दिन रात वाली चीज के दिन को रात के हृदय में मान लूंगा वो वाली चीज. तो रियल लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा कनेक्शन बना है किसी के साथ? नहीं यार, रियल लाइफ में तो मैं बहुत ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत बोरिंग हूँ थोड़ा सा हूँ. पर हाँ गाने में रोमांटिक बना लेता हूँ थोड़ा गाने, मतलब रियल लाइफ में भी होगा, फॉर श्योर होगा. नेक्स्ट टाइम अगर होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे सॉन्ग के लिए गा रहे होंगे तो अगर होगा तो मैं आपको पक्का बोलूंगा. ओके, तो वीडियो शूट मैं 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 प्रे करूंगा कि हो जाए नेक्स्ट टाइम. ओके, मैं भी प्रे करूंगी कि हो जाए, प्लीज मेरे प्रे करो, सवाल का जवाब मिलेगा. ओके, तो वीडियो शूट करते दौरान कुछ कोई ऐसा किस्सा रहा जो आपको याद रहने वाला, कुछ फनी हुआ हो कुछ ऐसा शूटिंग के दौरान? शूटिंग के बीच में एक्चुअली मेरा तो नहीं हुआ, जो डीओपी था तो तो बहुत बड़ी टीम थी ना उनकी, तो एक बंदा था जो जो रील्स और वीडियोस वाला तेरा था. तो आपको इतनी हंसी नहीं आएगी, बस वो थोड़ा सिचुएशन था. बट द मेन डीओपी गॉट सो पिस्ड क्योंकि वो बार बार वो लेने के लिए आया था,
तो उसने बोला कि भाई तू रील ही बना ले, मैं नहीं कर रहा हूँ शूट, तू तू रील ही बना ले, तू अपनी रील ही बना ले, इंस्टाग्राम चल चल हो रहा है क्या, इंस्टाग्राम चल रहा है क्या, पहले पहले असली मूवी तो शूट होने दे भाई। तो ऐसा कुछ, बट वो एक्चुअली उन्होंने कुछ एक पासवर्ड भी यूज किया था वहां पे, तो दैट मेड इट मोर, वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर ओके सकता। ओके 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 अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं? प्लीज थोड़ा सा हिंट दे दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो. अपकमिंग नॉन फिल्म, मेकिंग माय सॉन्ग्स ओनली, नॉन नॉन फिल्म मैं अपने गाने कर रहा हूँ, और मूवीज में भी आई एम सिंगिंग हियर एंड देयर, बट म्यूजिक में, मूवीज में मैं बता नहीं सकता गाना गा रहा हूँ, बिकॉज वो एंड तक, जिस दिन तक गाना रिलीज होगा कुछ कह नहीं सकते किसका वो लोग रखते हैं किसमें रखते हैं, बिकॉज मूवीज में एक्चुअली 5-6 माइंड्स आर वर्किंग टुगेदर, एक्टर भी इन्वॉल्व होता है कि कौन गाएगा, देन देयर इज the producer also, the director also, the creative team also, this team, that team. So yeah, but my songs I'll be doing for sure. Indeed. ओके ओके तो अगर आप कंफर्टेबल है अभी थोड़े से, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो 2 लाइनें हो जाए गाने की. I can hum the hook part of सुबह को शाम करे तू वही मैं भी कम, जो भी कुछ काम करे तू वही मैं भी करूं, सुबह को शाम पे तू वही मैं भी कम, जो भी कुछ काम करे तू वही मैं भी करूं, That's our song. वेरी नाइस. किसी को कोल्ड हुआ होता और उसको गाने के लिए कहा जाता तो वो मना कर देता, लेकिन नहीं नहीं आपने मैं ये तो गाना चाहता क्या हूँ, एक्चुअली मैं गाना बोल चाहता था, दिया. बस थोड़ा मेरा नेजल टोन आया, बट फील बाय रहेगा। जी, अपना ध्यान रखिए और अपने कोल्ड का भी. एंड थैंक यू हाँ सो ऑफ मच कोर्स, हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक अपने फैंस को यू कोई सर। स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मेरा नया गाना है सुबह को, प्लीज उसको स्ट्रीम कीजिए, उसको यूट्यूब पे देखिए, उसको स्पॉटिफाई पे देखिए, जो भी आपको डीएसपी अच्छा लगता है उस पे देखिए। आई रियली नीड योर लव, आई विल कीप मेकिंग सॉन्ग्स फॉर यू, गिवन दैट यू स्ट्रीम माय सॉन्ग्स रेगुलरली एवरीडे, दैट्स इट, एंड कीप शेयरिंग योर लव, दैट्स इट।